सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों देख सकते हो यहां पर ये शताब्दी नगर का आरआरटीएस का स्टेशन वो सामने दिखाई दे रहा होगा। अभी यहां पर ये पिलर बनाया जा रहा, देखो फाउंडेशन यानी इन्होंने बना दिया है। ये क्या नाम है, पाइल तो कर दिया है, देख सकते हो ये पिलर चमक रहा है ये वाला। और ये पिलर अभी इसका यहाँ पर ये फाउंडेशन बनाया जाएगा और ये नाला जा रहा है देख सकते हो। तो अभी यहाँ पर ये पिलर को जोड़ने का काम किया जाएगा। देखो सारे पिलर तो ये बनके कंप्लीट सही हो चुके हैं, सारे पिलर बन गए। उधर उसमें कंक्रीट भरा जा रहा है और बीच में इसमें अभी ये बीम रखा जाएगा और बीम रख के फिर दोनों को जोड़ दिया जाएगा। तो देख सकते हो कुछ ये वर्क चल रहा है, आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को। तो इधर मिट्टी पड़ी हुई है, ये सारे में ही इन्होंने पाइल कर दिया है। दोस्तों पाइल करने के बाद में फिर इसको पिलर को खड़ा किया जाएगा, यहाँ पर फाउंडेशन बनाया जाएगा। तो चलते हैं आगे और देख सकते हो कुछ यही सीन है यहाँ का। तो यहाँ से मैं इधर से निकलता हूँ, ठीक है, इधर से देखते हैं कुछ ऐसा सीन है भाई। ओहो हो, तो इसके बीच में थे निकल गए हम दोस्तों। सीन कुछ ऐसा है यहाँ पे, ये देख सकते हो ये शताब्दी नगर का आरआरटीएस का स्टेशन है दोस्तों। ये देखो ये पाइप निकाले हैं डाले हैं इन्होंने, समझ में ही नहीं आ रहा। तो अभी तो देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने ये रिंग लगाए जा रहे हैं और रिंग लग जाने के बाद में फिर इसमें कंक्रीट भर दिया जाएगा दोस्तों। और जो शताब्दी नगर का स्टेशन है कौन कौन लेवल का, तो काम पहले ही कम्प्लीट हो गया था, फ्लोर लोरिंग कर लिया जा चुका था। अब उसके बाद में इस पर जो वर्क चल रहा है दोस्तों वो चल रहा है प्लेटफॉर्म लेवल का। और नीचे इसमें देखो दीवारें बनाई जा रही हैं, दीवारें उठाई जा रही हैं। तो तस्वीरें देख सकते हो कुछ यही है, वर्क चल रहा है यहाँ पर इसे। देखो ये जोड़ने का यहाँ पर ये, अब इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाना। देखो सेटरिंग बिठाई जा रही है वो देख सकते हो दोनों साइडों में, कुछ यही सीन है यहाँ का, ठीक है। यहाँ पर निकलते हुए चल रहे हैं। और जो प्लेटफॉर्म के आपको बता दूँ, जो प्लेटफॉर्म लेवल के जो आपको बता दूँ, जो ट्रैक रहेगा वो ट्रैक बनाने के काम चल रहा है दोनों साइडों। ये देख सकते हो लेटरिंग लगी हुई है, कुछ यही सीन है यहाँ का। चलते हैं हम आगे दूसरी साइड में, दिखाते हैं चल के आप सभी को कि दूसरी साइड में क्या कुछ वर्क चल रहा है वो आप लोग देखेंगे इस वीडियो में जाकर। बढ़िया, देखो ये वर्क चल रहा है यहाँ पर। इधर की साइड में ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है, ठीक है, और इस साइड में तभी नहीं बनाया जा रहा है। तो स्लो डाउन आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर स्लो डाउन है ज़्यादा, इस वजह से चमक नहीं रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं अंदर की साइड में। अभी आपको उधर से दिखाएंगे चल के कि किस तरीके से ये ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं, वो आप लोगों को दिखाएंगे इधर की साइड में। देखो ये बना रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम, ये देखो ये यहाँ पर ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है शताब्दी नगर के स्टेशन पर। तो देख सकते हो यहाँ पर ये इस तरीके से ये जाल बनाया जाता है और जाल बनाकर फिर इसको काट दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम खड़े हुए हैं तो यही वर्क चल रहा है शताब्दी नगर के स्टेशन पर। देखो वो उधर टीम लगी हुई है, चलो दिखाते हैं उधर का नज़ारा आप सभी को यार। देखो ये वर्क चल रहा है यहाँ पर, इसका फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है। और फ्लोरिंग का काम कर देने के बाद में दोस्तों फिर इसको जोड़ दिया जाएगा। देखो पर यहाँ पर जो टीम लगी हुई है वो एलएनटी की टीम है, देखो टीम कितने मज़े ले रही है यहाँ पे, कुछ यही थीम है यहाँ पर। तो ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। देखो सारे में वर्कर लगे हुए हैं, तो यही अभी शताब्दी नगर का स्टेशन पर काम चल रहा है अभी। देखो कितने मज़े ले रही है टीम यहाँ की, जो कि एलएनटी की टीम है।
मजे ले लेके काम करना चाहिए, ठीक है। देखो के पी संत कल आ जाएंगे, कल नहीं वीडियो बन रही अभी, लाभ नहीं है यूट्यूब चैनल के लिए। हाँ ये कंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं, का स्टेशन कुछ ऐसा बनाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। देखना केपी संत नाम है, केपी संत, ठीक है, केपी संत। देखो ये टीम लगी हुई है, इसमें ड्रेनेज बना रही है तेजी के साथ में। देखो इस पर ये तो फ्लोरिंग का काम कर दिया है, और इसकी ये दीवारें बॉल बनाई जा रही हैं, इनमें कंक्रीट भर दिया जाएगा, फिर इसको पाट दिया जाएगा। तो अभी डाइवर्ट कर दिया गया है उधर की साइड पर। देखो कुछ ये है, इस नाम से चैनल है के पी संत नाम है, के पी संत। ठीक है, हाँ ठीक है दोस्तों, तो यही वर्क चल रहा है अभी कंस्ट्रक्शन का तेजी के साथ में, ठीक है। इसका ड्रेनेज बनाया जा रहा है, शताब्दी नगर के स्टेशन है ये, मेरठ में पड़ता है दोस्तों, और देख सकते हो आगे, ठीक है ना। तो ये आप लोग बताना वीडियो कैसा लगा आप सभी को, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। पर ये देख सकते हो ये सारे में ही ड्रेनेज सिस्टम बनाने का काम चल रहा है, क्योंकि नाला है उधर में, देखो आधा पार्ट दिया चुका है, आधे पर काम चल रहा है। जो कि अभी ये टीम मज़े ले रही थी, तो अभी इधर भी जो देखो जोड़ा जाएगा दोस्तों। तो यही है, देखो ये सारे में पिलर बन चुके हैं, पिलर कैप का काम किया जाना है, इस पर पियर कैप का काम हो गया बीच वाले पर। तो अभी इसमें टाइम लगेगा दोस्तों बनने में, क्योंकि इसका सारा ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है। देखो ये चल रही है खुदाई, यहाँ पर टीम लगी हुई है, कुछ इस तरीके से बना रही है। ये देखो ये सारा ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है, वहाँ तक सीधा सीधा ये बनाया जाना है दोस्तों। देखो टीम कितनी लगी हुई है, और वो जेसीबी लगा हुआ है वहाँ पर जो मिट्टी की खुदाई कर रही है, और जो पाइपलाइन थी वो इसको निकाला जा रहा है। तो यही काम चल रहा है अभी इसके शताब्दी नगर के स्टेशन पर दोस्तों। ये देखो कुछ ये काम है यहाँ का जो किया जा रहा है, हर प्लेटफॉर्म लेवल का ही काम चल रहा है अभी इस टाइम पर इस पर। अब चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आप सभी को आगे क्या चल रहा है, वो आप लोग देख सकते हो। कुछ ऐसा ये वर्क चल रहा है यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बनाने का, ठीक है दोस्तों। पर ये आ जाता फैब्रिक स्मॉल, ये देख सकते हो ये फैब्रिक स्मॉल है यहाँ पे, और उसके सामने ये शताब्दी नगर का स्टेशन बनाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। देखो ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है कुछ इस तरीके से, देखो ये बनाया जा रहा है ड्रेनेज सिस्टम, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें। और एक पिलर यहाँ पर बना दिया है, जिस पर अभी पाइल तो कर दिया है इन्होंने, पाइल करने के बाद में फाउंडेशन भी बन चुका है, और फाउंडेशन बनने के बाद में दोस्तों अब देख सकते हो इसमें ये रिंग भरे जाएंगे, रिंग लगाने के बाद में फिर इस पर कॉन्क्रीट भर दिया जाएगा, पिलर बन जाएगा। और ये बन रहा है ड्रेनेज सिस्टम, ये देख सकते हो सारे में ही यही वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे तेजी के साथ में दोस्तों, ठीक है। हाँ ठीक है, तो देख सकते हो सारे पिलर अभी बनने बाकी रह गए हैं, क्योंकि अब चलते हैं आगे, दिखाते हैं चल के आपको आगे जो स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा। तो ड्रेनेज को बनाया जा रहा है, देखो सारे पिलर ये बनाए जाएंगे। तो गाइस यहाँ से चलते हैं, अब चलेंगे ब्रह्मपुरी के स्टेशन को, दिखाते हैं चल के आप सभी को, तो बने रहिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। और देख सकते हो अभी यहाँ पर बहुत स्लो काम चल रहा है मेरठ के अंदर में, अभी तो आपको बता दूँ पाइल करके और पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जा चुका है। तो कहीं कहीं इसमें जो पिलर के स्ट्रक्चर में है उसमें रिंग लगा के कंक्रीट भरा जा रहा है, कहीं कहीं पाइल किया जा रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पर अभी
ये पिलर बनाए जाने हैं दोस्तों, और ये जो पिलर बन के कम्प्लीट, ये जो बन गए हैं, इनके स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है। तस्वीरें देख सकते हो, इनमें अब सेटिंग लगाई जा रही है। सेटिंग लगा के इनमें अब कंक्रीट इन पिलरों में ये भरा जाएगा दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो आगे, इसमें कंक्रीट भर दिया जा चुका है, इसमें भी भरा जाएगा अभी। तो यहाँ से आपको बता दूँ, थोड़ा सा ये कर्व ले लेगा और फिर ये साइड में चलेगा, क्योंकि आगे आपको देखने के लिए मिलेगा फ्लाईओवर। तो फ्लाईओवर के राइट साइड में थोड़ा कर्व ले लेगी, फिर ये फ्लाईओवर के बगल बगल से ही जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर ये पिलर पहले ही बन के कम्प्लीट हो चुके थे, और देख सकते हो यहाँ से ये थोड़ा सा कर्व ले लेगा, और देख सकते हो ये फ्लाईओवर के साइड में आ जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हो तस्वीर है, ये देखो यहाँ पर ये लॉन्चर लगाया गया था, और आगे लॉन्चर जोड़ता हुआ जा रहा है ब्रह्मपुरी के स्टेशन पर, स्टेशन की साइड में, जो कि RRTS के स्टेशन है। फिर उसके बाद में ब्रह्मपुरी के स्टेशन से स्टार्ट होगा ये दोस्तों, आगे जाकर जो मेरठ सेंट्रल है वहाँ से ये अंडरग्राउंड हो जाएगी दोस्तों। और अंडरग्राउंड होने के बाद में फिर ये निकलेगी वैशाली में, इसका अंडरग्राउंड स्टेशन होगा, और ये बेगम पुल में जाकर इसका एंड हो जाएगा, जो कि टनल बनाई जा रही। तो देख सकते हो ये लॉन्चर लगा हुआ है, और बहुत ही स्लो काम कर रहा है ये लॉन्चर दोस्तों, क्योंकि पिछली मैंने महीने दो महीने पहले वीडियो बनाया था, तब भी ये लॉन्चर इन्हीं पिलरों को ही जोड़ रहा था। तो बहुत मंदा काम चल रहा है दोस्तों। देख सकते हो ये लॉन्चर कुछ इस तरीके से बायोडक्ट को जोड़ता है, सारे जो एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में जितने भी जो सेगमेंट हैं वो एक ही साथ उठा लेता है, और फिर इसको जोड़ा जाता है दोस्तों। तो यही सीन है यहाँ का मेरठ का, और आगे आने वाला है ब्रह्मपुरी का स्टेशन। तो ब्रह्मपुरी का स्टेशन भी दिखाते हैं कि वहाँ पर कितना कुछ वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पर। तो देख सकते हो ये पियर कैप लगाया जा रहा है पियर पर दोस्तों, ऐसे ही इधर भी किया जाएगा दोस्तों। तो ये देख सकते हो सारे पियर कैप का पियर पर काम किया जाना है, क्योंकि इसमें बीम डाला जाएगा, और बीम डाल के फिर एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से ये स्टार्टिंग हो जाती है, जैसे ही फ्लाईओवर उतरेगा वैसे ही ब्रह्मपुरी का स्टेशन स्टार्ट हो जाता है। तो देख, ये देख सकते हो दोस्तों, ये चल रहा है ब्रह्मपुरी का स्टेशन, और ब्रह्मपुरी के स्टेशन पर बहुत सारा काम है दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, देख सकते हो ब्रह्मपुरी के स्टेशन पर अभी बहुत सारा वर्क करने के लिए है, और जो कि बहुत स्लो काम चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि अभी मार्च में ये रैपिड रेल चलाई जानी, तो इसलिए वर्क चला। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।